everyone, Jai Hind, my name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel Target with Alok. TGT, PGT को लेकर के literature की कई classes मैंने ली हैं, language की classes कम हैं, तो आज language को ही लेकर के मैं कुछ पढ़ाऊंगा. English language में short intro मैंने दे दिया था, parts of speech का, kinds of sentences मैंने बता दिया, subject का short intro दे दिया कि English language क्या चीज़ है. आज हम कुछ थरो स्टडी करते हैं, ठीक है. तो चलिए आज मैं एक टॉपिक उठाता हूं जिसका नाम है नाउन. नाउन को थोड़ा हम लोग डेप्थ में जाकर के पढ़ते हैं. तो टॉपिक क्या है आज का? नाउन. नाउन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी जब इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया था. उसमें मैंने बताया था कि सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं नाउन इज नेम. बिल्कुल ईजी डेफिनेशन है ये कि नाउन नाम है, किसी भी चीज का नाम. मैंने बताया था कि इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जिस भी चीज को हमने नाम दिया है, हर वो नाम नाउन है. कुछ लोग कहते हैं कि हर एक चीज नाउन है, तो चीज नाउन नहीं होती एक्चुअली. अगर मैं कहूं कि ये नाउन है तो इट्स नॉट अ नाउन, इट्स एन ऑब्जेक्ट. ये कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है. इसका जो नाम होगा डिजिटल पेन या डिजिटल मार्कर, वो वर्ड नाउन होगा, ठीक है. या मान लीजिए मैंने कोई और चीज उठा लिया, मैंने कहा कि ये नाउन है, तो क्या ये नाउन होगा? नहीं. मैं क्या कहूंगा? दिस इज अ बॉटल. तो बॉटल वर्ड जो है वो वर्ड नाउन है, ना कि ये नाउन है, ठीक है. और इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपसे क्वेश्चन करता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन करता हूं, उसको आप आंसर करने की कोशिश कीजिए. तो देखिए ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो अगर मैं मूवी से मुगले आजम मूवी देखा होगा या हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जो जानते होंगे, तो मैं उनसे पूछता हूं कि अकबर अकबर सलीम के पिता का क्या था, ठीक है. तो जो हिस्ट्री जानते हैं या जिन्होंने ये मूवी देखी होगी मुगले आजम, वो जानते होंगे कि अकबर फादर थे और सलीम उनके सन थे, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना अजीब सा है कि ये जो अकबर हैं, ये सलीम के फादर के क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली नहीं मिलेगा. अगर कोई पहले से जानता है तो बात अलग है, वरना जल्दी कोई गेस नहीं कर पाएगा. वो कहेगा अकबर तो खुद फादर है, तो सलीम के फादर के क्या लगे, वो तो खुद ही फादर है. मतलब उनको लगेगा कि ये नॉनसेंसिकल क्वेश्चन है, ठीक है. लेकिन जब आप ग्रामर की डेप्थ में जाकर इसे सोचेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है कि अकबर सलीम के फादर का नेम है, नाम है. अकबर सलीम के फादर का क्या था? अकबर सलीम के फादर का नाम था, ठीक है. तो ये इसका आंसर आएगा. ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, ये क्वेश्चन मैंने किया आंसर दिया इसलिए ताकि आप एक बात बहुत अच्छे से समझ जाइए, और वो ये बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नाउन नहीं होता. ऑब्जेक्ट अलग चीज है और उसका नाम अलग चीज है, और वो नाम ही नाउन होता है, ठीक है. तो यहां ये जो मैंने लिखा है, ये कोई पर्सन तो यहां अवेलेबल है नहीं, उसका नाम मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये वर्ड नाउन है, राइट. वो पर्सन जो चला गया उसकी बात हम नहीं कर रहे, राइट. तो कीप इट इन योर माइंड. और जब भी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में पूरे टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. आपको रूल्स इस अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हम क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं, इस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, राइट. उसके लिए आप साइंस पढ़ते हैं, क्लियर. अब देखिए लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको कि लैंग्वेज का एक रूल कहता है कि फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन है. फ्रूट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. और वेजिटेबल काउंटेबल नाउन है. तो अगर हम लॉजिक को समझने चलेंगे तो यहां पर हम बेवल्डर्ड हो जाएंगे, बौखला जाएंगे कि ये कैसा लॉजिक है भाई. फ्रूट भी वैसी चीजें, हम उन्हें भी काउंट कर सकते हैं भाई. जैसे मैंने कह दिया चार आम, पांच केले, छह अनार, ऐसा कुछ कर दिया ना काउंट. पर हम फिर फ्रूट वर्ड को अनकाउंटेबल क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना. और वेजिटेबल भी उसी तरह की चीज हम कह सकते हैं, चार आलू, एक बंद गोभी वगैरह वगैरह, तो इसको हम काउंटेबल ले रहे हैं. तो लॉजिक यहां पर सेट नहीं हो पाएगा
और रूल पर ही हमें पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ेगा। ग्रामर के रूल ने कह दिया कि फ्रूट अनकाउंटेबल है, तो आपको मानना पड़ेगा कि फ्रूट अनकाउंटेबल है, ठीक है, और वेजिटेबल काउंटेबल है, तो आपको मानना पड़ेगा कि वेजिटेबल काउंटेबल है, राइट। तो इस तरह के कई रूल्स ग्रामर में आएंगे, तो इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ग्रामर जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लॉजिक्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉजिक नहीं होगा, पर लॉजिक्स कम मिलेंगे, रूल्स ज्यादा मिलेंगे, उनको फॉलो करना है, राइट। तो नाउन इज नेम में समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि चीज अलग होता है और उसका नाम अलग होता है, और नाम ही नाउन है, किसी भी चीज का नाम हो वो नाउन है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, जैसे मैंने कह दिया बुक, मैंने कह दिया कार, मैंने कह दिया इमोशंस में ले लीजिए, मैंने कह दिया हैप्पीनेस, या मैंने कह दिया पेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होगा भाई, सारे के सारे वर्ड्स नाउन है, क्योंकि किसी ना किसी चीज का नाम है। फिर मैंने एक बात और बताई थी, फिर से बता रहा हूं कि अगर कभी किसी वर्ड को लेकर कंफ्यूजन हो कि वो वर्ड नाउन है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, टू चेक अ नाउन, उसे चेक करना है, अगर यूज इट विथ, उसे यूज कर लीजिए किसके साथ, माय के साथ, हिज के साथ, हर के साथ, ठीक है, और भी इसमें वर्ड्स आगे आ सकते हैं, तो इनमें से किसी के साथ यूज कर लीजिए, माय, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, इनके साथ यूज कर लीजिए। अगर इनके साथ वर्ड सेट हो रहा है तो वो नाउन है, और सेट नहीं हो रहा है तो वो नाउन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने वर्ड लिखा सौरो या ग्रीफ, सौरो का मतलब क्या हो गया, दुख, पीड़ा, ग्रीफ का मतलब भी पीड़ा, ठीक है। तो अगर मैंने ये वर्ड लिखा और आपको कंफ्यूजन है कि ये वर्ड नाउन है या नहीं है, तो सीधा इनके साथ रखकर देख लीजिए, अगर सेट होगा तो नाउन है, सेट नहीं होगा तो नाउन नहीं है। भाई मैंने कह दिया कि माय ग्रीफ, मेरी पीड़ा, तो सेट हो रहा है ना। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि वो मेरी पीड़ा नहीं समझता, ठीक है, वो मेरा दुख नहीं समझता, लोग किसी का दुख नहीं समझते, तो सेट हो रहा है, मेरा, इसका, उसका, तुम्हारा, किसी का, इन सबके साथ सेट हो रहा है, तो ये नाउन है। लेकिन अगर मैंने कह दिया सोरोफुल, सोरोफुल मतलब क्या हो गया, दुख भरा, पीड़ा भरा, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं माय सोरोफुल, मेरा पीड़ा भरा, दुख भरा, ऐसा कुछ सेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं सेट हो रहा है, राइट। तो सेट नहीं हो रहा है मतलब नाउन नहीं है, सेट हो रहा है तो मतलब नाउन है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक शॉर्ट रिविजन दे दूं ताकि जिन्होंने नहीं देखा है वो भी अच्छे से समझे। तो नाउन को लेकर इतनी बात आई होप क्लियर है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, कितनी तरह के नाउन्स होते हैं। तो जब आप काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने चलेंगे तो जनरली किसी इंटरनेशनल लेवल की ग्रामर की बुक जब आप उठाते हैं तो आपको मेनली कितने काइंड्स मिलते हैं पता है, सिर्फ दो, ठीक है। जो पांच काइंड्स जो आप जानते हैं उनकी भी बात हम करेंगे, लेकिन मेन जो हैं जिन पर ग्रामर के सारे रूल अप्लाई होते हैं वो दो ही काइंड्स हैं, और वो दो काइंड्स कौन से हैं, वो सिंपल से हमारे दो काइंड्स हैं, काउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक। देखिए जब मैं नाउन को पढ़ाता हूं तो मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़कर आए हैं और जिस लैंग्वेज में वो पढ़कर आए हैं, मुझे उनको पहले वो लैंग्वेज वाला डिलीट करके ये अपनी लैंग्वेज वाला उनके माइंड में सेव करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझिए। देखिए जब हम किसी भी टॉपिक को ग्रामर में पढ़ते हैं, जैसे अब ये नाउन पढ़ रहे हैं ना, तो इसको पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, हमारा एम्बिशन क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ने का जो एम है वो ये होता है कि हमें इतना पता होना चाहिए कि जो काउंटेबल नाउन है उसके सिंगुलर होने पर आ, एन या दा का होना जरूरी है। जनरली आ, एन का होना जरूरी होता है, अगर दा की कंडीशन है तो दा होना जरूरी है, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल है उसका सिंगुलर ही
रूप होता है उसको प्लूरल में यूज नहीं करते हैं, और उसके साथ आ या एन कभी नहीं लग सकता। तो मेन मकसद ये है कि काउंटेबल की कैटेगरी में जितने नाउन आएंगे उनको हम कॉमन लैंग्वेज में जब भी यूज करेंगे, चाहे लिखने में चाहे बोलने में, तो सिंगुलर होने पर हमें आ या एन लगाकर ही यूज करना है, और प्लूरल होने पर बात ही अलग होगी, उसका प्लूरल हम आसानी से बना सकते हैं। अनकाउंटेबल है अगर नाउन तो वो सिंगुलर ही रहेगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा जनरल लैंग्वेज में, और उनके साथ आ या एन कभी नहीं लगेगा जनरल लैंग्वेज में। ये जनरल रूल है, ठीक है। स्पेशल केसेस हर जगह आएंगे, ठीक है, जिसे हम एक्सेप्शंस कहते हैं वो हर जगह आएंगे, उनकी बात अभी नहीं हो रही। तो इनको पढ़ने का हमारा मकसद ये है। अब जब इस मकसद से हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल को पढ़ना शुरू किया, तो काउंटेबल के लिए जल्दी से लोग बता देते हैं कि जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल। और ये बात गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर आप काउंटेबल की हिंदी मीनिंग देखेंगे तो पता चलेगा गणनीय, गिनने योग्य, जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल की हिंदी मीनिंग देखेंगे तो अगणनीय, जिसे गिना ना जा सके, जो गिनने योग्य ना हो। लेकिन जब आप लैंग्वेज में इसे पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज काउंटेबल तब होगी जब वो गिनने योग्य होगी, और अनकाउंटेबल तब होगी जब वो गिनने योग्य नहीं होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है ना। पर ग्रामर में क्या है, ग्रामर में हम काउंटेबल उसे मानेंगे जिसके साथ किसी संख्या का यूज हो सके, जिसके साथ, मैं बहुत सारी बातों को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस जल्दबाजी मत करिएगा, जिसके साथ किसी बात का जल्दी से डिसीजन मत लीजिएगा, ये तो वही बात है जो सर ने पहले कही, जिसके साथ संख्या का प्रयोग हो, ठीक है। ग्रामर को सीखते वक्त कभी जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जब मैंने ये बात लिखी कि जिसके साथ संख्या का प्रयोग हो वो काउंटेबल है, तो हो सकता है आपके माइंड में फौरन ये क्लिक करे कि सर ये तो वही बात हो गई, जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल है और उसी के साथ तो संख्या का प्रयोग होता है। लेकिन ये वो बात नहीं है, मैं अभी बताऊंगा क्यों नहीं है, आप धैर्य रख के समझिए। अनकाउंटेबल वो है जिसके साथ संख्या का प्रयोग ना हो, ठीक है, संख्या का प्रयोग ना हो। अब समझिए, ये जो रूल लिखा है मैंने, ये एक जनरल कॉमन लैंग्वेज के लिए लिखा है कि काउंटेबल वो है जिसके साथ संख्या का प्रयोग हो, अनकाउंटेबल वो है जिसके साथ संख्या का प्रयोग ना हो, ठीक। अब आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि सर ये तो वही बात हो गई कि काउंटेबल है जिसे गिना जा सके उसके साथ हम संख्या का प्रयोग करते हैं, जिसे गिना ना जा सके उसके साथ हम संख्या का प्रयोग नहीं करते। पर ध्यान दीजिए, मैं बात करता हूं राइस की, चावल की, या मैं बात करता हूं भुट्टे की, भुट्टा कॉर्न जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप देखिए, आप कॉर्न को प्रैक्टिकल लाइफ में गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, आप कॉर्न को प्रैक्टिकल लाइफ में गिन सकते हैं। आप अगर मेहनत करिए तो आप उसका एक एक दाना गिन सकते हैं, या राइस को भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में गिन सकते हैं, अगर आप मेहनत करिए आप गिन सकते हैं, उसे एक एक करके काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, तो ये बात हो गई। फिर मैं बात कर रहा हूं कॉर्न के ही साइज के चने की। अगर आपको लगता है कि मैं कॉर्न को नहीं गिन सकता, तो फिर आप चना भी नहीं गिन सकते, क्योंकि दोनों तो एक ही साइज के होते हैं। आप मटर भी नहीं गिन सकते, वो भी उसी साइज का होता है, लमसम लमसम। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग चना और मटर काउंटेबल है और कॉर्न अनकाउंटेबल है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाते ही कंफ्यूज हो गए, है ना, कि भाई चना गिना जा सकता है तो कॉर्न भी गिना जा सकता है, फिर ये क्यों काउंटेबल है, ये क्यों अनकाउंटेबल है, कंफ्यूजन होगा ना। तो वहीं से आपको समझना है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल आप प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, आपको यह समझना है कि साधारण भाषा में जिन चीजों के साथ, जिन शब्दों के साथ हम संख्या जोड़कर लिखते या बोलते हैं वो काउंटेबल है, और जिनके साथ नहीं लिखते या बोलते हैं वो अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा
कि मेरे पास एक मार्कर है या मेरे पास एक ग्लास है या मेरे पास एक बोतल है या मेरे पास एक स्कूटर है, स्कूटी है, एक कार है, व्हाटएवर। तो मैं संख्या लगा रहा हूं ना इनके साथ, जनरल लैंग्वेज में ज्यादा होगी तो दो है, तीन है, संख्या लगा रहा हूं ना। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई गया मार्केट में और उसने बनिया से कहा मुझे 5000 चावल दे दो? वो बोरी तुम्हारा कहेगा निकाल लो भाई अपने से गिन लो। कौन गिनता है? 5 किलो चावल दे दो कहेगा। वो केजी को गिनेगा, राइस को नहीं गिनेगा, यूनिट को गिनेगा, ऑब्जेक्ट राइस को नहीं गिनेगा। इसी तरह से आप कभी भी नहीं जाते हैं कहते हैं कि मुझे 5000 भुट्टे के दाने दे दो, नहीं कह सकते। You don't use number with that. फिर आप कहेंगे सर इसी तरह तो चने और मटर के साथ भी हम नहीं कहते, हम कभी नहीं जाते बाजार में उससे थोड़ी कहते हैं कि भैया हमें 200 चने दे दो। पर ये एक्सेप्शन है और इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत हैं और वो एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो खैर अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको countable uncountable ग्रामर में जब समझेंगे तो ऐसे समझना है कि जिसके साथ संख्या का प्रयोग हो वो countable, जिसके साथ संख्या का प्रयोग ना हो वो अनकाउंटेबल। जब ऐसे समझेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। ये तो एक अलग चीज बताया ही बताया मैंने। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा टफ चीज है समझाने के लिए और बहुत से लोगों को जल्दी से हजम भी नहीं होगी, ठीक है ना, पर मुझे बताना पड़ता है। देखिए इसको बताने से पहले एक आसान सी चीज बताऊं, किसी भी टीचर के लिए सबसे आसान काम पता है क्या है? टीचर के लिए सबसे आसान काम यह होता है कि कोई चीज किसी किताब में, किसी बुक में लिखी हुई है और आपने जैसी लिखी हुई वैसे ही पढ़ा दिया। तो बहुत आसान काम है भाई, बुक उठाया, पढ़ा और वही चीज पढ़ा दिया, स्टूडेंट को वही सेम नोट्स भी दे दिया। अच्छा स्टूडेंट भी खुश है, अरे यही तो सर ने पढ़ाया, यही मेरे नोट्स में भी और यही बुक्स में भी है, इसका मतलब यही 100% करेक्ट है। वो उस सत्य के आगे कुछ और जानना और सुनना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। जबकि ग्रामर में आपको बता दूं कि जितनी भी बुक्स आपके आसपास पब्लिश हो रही हैं, ये मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि लोकल पब्लिकेशंस की जो ऑथेंटिक पब्लिकेशंस नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, यूनिवर्सली ऑथेंटिक नहीं है, उन लोकल पब्लिकेशंस की जितनी भी ग्रामर की बुक, लैंग्वेज की बुक पब्लिश हो रही है, आप तक पहुंच रही है, सारी की सारी बुक्स में भर भर के मिस्टेक्स हैं, भर भर के गलतियां, और सिर्फ क्वेश्चंस आंसर में ही नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशंस में ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे रूल्स भी उन्होंने ऐसे लिखे होते हैं जो एक्चुअली रॉन्ग है, ग्रामर पे फिट नहीं होते, राइट। तो इसलिए ग्रामर के लिए आप किसी भी बुक पर पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते, आप पूरी तरह से डिपेंड नहीं कर सकते किसी भी एक बुक पर, पर्टिकुलर बुक पर। आपको ग्रामर की एक्यूरेसी के लिए डिक्शनरी भी खोजना पड़ता है, आपको उसकी एक्यूरेसी के लिए इंटरनेशनल लेवल की बुक्स भी उठानी पड़ती हैं, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की या कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की, ये सब बुक्स भी उठानी पड़ती हैं, और आपको प्रैक्टिकल यूसेज भी देखने पड़ते हैं, तब ग्रामर पर आती है आपकी एक अच्छी, जो जिसे हम कहते हैं मास्टरी, तब आपकी बनती है, राइट। तो अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, मैंने ये बात क्यों बताया, इसलिए बताया कि इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है और उस पर मैंने ग्रामर पर बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, मतलब यू वोंट बिलीव कि 200 से ज्यादा बुक्स तो मैंने शायद पढ़ ली होंगी, राइट। और बुक्स के अलावा मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे यूसेज किए हैं, और इन सारे यूसेज और इन सारे एक्सपीरियंस पर जो मुझे चीजें निकल कर मिलती हैं वही मैं शॉर्ट करके, कंप्रेस करके पढ़ाता हूं। तो अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये वो चीज बताने जा रहा हूं जो बुक्स में नहीं है बल्कि कुछ बुक्स के अगेंस्ट है, और वो क्या चीज है, देखिए काइंड्स ऑफ नाउन में जब भी बात की जाती है प्रॉपर नाउन की, तो मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके आसपास जितनी बुक्स आती हैं लोकल पब्लिकेशंस की उसमें प्रॉपर नाउन को काउंटेबल लिखा जाता है, ठीक है, कॉमन को भी काउंटेबल लिखा जाता है। लेकिन मैं ये डेयर कर रहा हूं कि मैं प्रॉपर को अनकाउंटेबल में लिख रहा हूं, ठीक है, और
कॉमन को काउंटेबल में, कॉमन तो है ही काउंटेबल है, प्रॉपर को मैं अनकाउंटेबल में लिखने का डेयर कर रहा हूं। बहुत रिस्की काम है कि मैं किसी बुक के अगेंस्ट जा रहा हूं, पर आई विल प्रूव इट। और प्रूव मैं सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि ये मेरी ऑथेंटिसिटी की बात है, इसलिए प्रूव करूंगा कि आप लाइफ टाइम कभी भी प्रॉपर नाउन के यूसेज में गलती ना करें, ठीक है ना, क्योंकि आगे आपको इनके यूसेज समझने होंगे। प्रॉपर नाउन क्या है पहले समझिए। प्रॉपर नाउन प्रॉपर तभी है जब वो एक नाम एक के लिए हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम, अब राम वर्ड जब किसी एक लड़के के लिए मैं यूज करूंगा तभी वो प्रॉपर होगा। अगर किसी क्लास में चार पांच राम हैं, चार पांच लड़के हैं जिनका नाम राम है, और मैं उन चारों पांचों को एड्रेस कर रहा हूं या उन चारों पांचों के बीच उनके नाम की बात हो रही है, तो उनके बीच यही राम वर्ड कॉमन नाउन बन जाएगा, यही वर्ड कॉमन नाउन बन जाएगा। बहुत डीप बात है, ध्यान से समझिएगा। या जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई और नाम लिया, जैसे कि अगर मैं गीता लिखता हूं मान लीजिए, तो अगर ये किसी लड़की का नाम है तो चार पांच अगर गीता है लड़कियां तो उनके बीच ये कॉमन बन जाएगा। लेकिन अगर गीता बुक की मैं बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि गीता एक ही है, उसकी अलग अलग कॉपीज हो सकती हैं, राइट। तो इसको कॉमन नहीं बनाया जा सकता, पर एक पार्ट है, एक पोर्शन है जिस पर इसे कॉमन बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बाइबल का कंपैरिजन गीता से करूं और मैं कह दूं कि बाइबल इज द गीता ऑफ क्रिश्चियंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें कोई रिलीजियस फेथ को हर्ट करने या वैसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो प्लीज इसको कोई अदरवाइज ना ले। कि जैसे मैंने कह दिया कि क्रिश्चियंस की बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस की गीता है, ये मैंने कह दिया। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो यहां पर मैंने गीता को बाइबल से कंपेयर किया और बाइबल को गीता बना दिया, फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से यहां पर मेटाफर है, ग्रामर के हिसाब से यहां पर ये जो कंपैरिजन हुआ, यहां गीता कॉमन बन गया, यानी गीता को मैंने एज अ कह लीजिए कि मॉडल बुक ले लिया सभी रिलीजियस की बुक के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो इस तरह से जब मैंने लिया तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो गया। फिर इसी तरह से मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा आगरा, ठीक। अब हमें पता है कि आगरा एक सिटी का नाम है, तो चार पांच सिटी का नाम तो नहीं हो सकता, तो ये भी कैसे कॉमन बन सकता है, ये भी ऐसे कॉमन बन सकता है कि मान लीजिए आगरा फेमस है ताजमहल के लिए, तो अब कोई और जगह फेमस हो किसी और मॉन्यूमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया मान लीजिए इजिप्ट में कुछ है या कुछ अच्छा सा मिल नहीं रहा है, कहीं पर कुछ अच्छा बना हो जैसे, चलिए मान लीजिए फतेहपुर को मैंने कह दिया, ठीक है, फतेहपुर इज द आगरा फॉर लोकल विजिटर्स। मतलब जैसे आगरा विजिट करना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल है, पर फतेहपुर में भी बहुत से बहुत कुछ बना हुआ है इस तरह का, तो लोकल विजिटर्स के लिए फतेहपुर ही आगरा है, ऐसा कह दिया। यानी आगरा को मैंने एक घूमने की जगह बताई और फतेहपुर को उससे कंपेयर कर दिया, राइट। तो हर घूमने की जगह को मैं आगरा से कंपेयर कर सकता हूं, ये मैंने इस सेंटेंस में एक्सप्रेस करना चाहा, तो आगरा वहां पर कॉमन नाउन की तरह यूज हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रॉपर ये सिर्फ तभी रहेगा जब ये एक के लिए होगा, नोन के लिए होगा, जानने वाले के लिए होगा, ठीक है ना। अगर मैं किसी राम को जानता हूं, एक है, तभी वो प्रॉपर है। अगर मैं नहीं जानता हूं तो भी वो प्रॉपर नहीं रहेगा, फिर वो कॉमन बन जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा मैं किसी राम से मिला, आई मेट आ राम, तो मैं आ राम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं जाहिर करना चाह रहा हूं, मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं कि वो राम नाम तो मुझे पता है पर वो है कौन ये मैं नहीं जानता, किसी राम से मिला, राइट। तो यहां पर यह चीज क्लियर होनी चाहिए। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक नाम एक के लिए है तो प्रॉपर है।
कॉमन क्या है? एक नाम अनेक के लिए। जब भी कोई एक नाम एक से ज्यादा के लिए होगा तो वो कॉमन हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, पांच राम हो गया, तो राम उन पांचों के बीच फिर कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। या मैंने कह दिया बॉय, तो सभी बॉयज को बॉय कह सकता हूं। मैंने कह दिया बुक, सभी बुक्स को बुक कह सकता हूं। मैंने कह दिया सिटी, सभी सिटीज को सिटीज कह सकता हूं। तो ये सब तो मोस्ट फेमस कॉमन नाउन है, ठीक है, लेकिन ये वाले भी कॉमन की तरह यूज हो सकते हैं, ये मैंने बताया। अब यहां बात ये आती है कि सर प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल में आपने क्यों लिखा? भाई हम तो राम को तो जानते ना, एक ही राम है। अगर वो मान लीजिए एक नाम एक के लिए भी यूज हुआ, एक नाम एक के लिए भी यूज हुआ, तो एक है ना, हमने गिना है ना, एक है, तब तो वो कॉमन नाउन होना चाहिए, वो मतलब काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल क्यों हो गया? तो यहीं पर आपको मेरी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि जो गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नहीं कहेंगे, बल्कि जिसके साथ संख्या का प्रयोग हो कॉमन भाषा में उसे हम काउंटेबल कहेंगे, और जिसके साथ संख्या का प्रयोग ना हो उसे अनकाउंटेबल कहेंगे, तभी ग्रामर का यूज सही हो पाएगा। आप कहेंगे मैं एक लड़के से मिला, ठीक है, लेकिन क्या आप कहेंगे अगर राम को जानते हैं तो क्या आप कहेंगे मैं एक राम से मिला? आप नहीं कहेंगे। और जब आप राम को जानते हैं तभी वो प्रॉपर होगा, ठीक है ना, आप नहीं कहेंगे मैं एक राम से मिला, ठीक है। आपने कहा मैंने एक किताब पढ़ी, एक किताब पढ़ी, लेकिन आप नहीं कहेंगे मैंने एक गीता पढ़ी, आप कहेंगे मैंने गीता पढ़ी। आप कहेंगे मैंने एक शहर घूमा, लेकिन आप नहीं कहेंगे मैंने एक आगरा घूमा, ठीक है। तो आप इनके साथ संख्या का यूज नहीं करते हैं, और यही रीजन है इन्हें अनकाउंटेबल में रखने का। और मेन जो गोल है काउंटेबल अनकाउंटेबल का, वो यही है कि भाई जिसके साथ कॉमनली आ या एन लगाया जा सके वो काउंटेबल होगा, जिसके साथ कॉमनली आ या एन ना लगाया जा सके वो अनकाउंटेबल होगा, है ना। तो आप इनके साथ आ या एन नहीं लगाते, राइट। तो इन्हें अगर काउंटेबल समझ लेंगे तो आपको आ या एन लगाना पड़ेगा। इन्हें अगर काउंटेबल समझ लेंगे तो आप इनका प्लूरल भी बना सकते हैं आसानी से, और हमें पता है कि इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, इन्हें प्लूरल में नहीं बनाया जा सकता। इनके साथ आर्टिकल केवल तब लग सकता है, इनके साथ इनका प्लूरल केवल तब बनाया जा सकता है जब इन्हें एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाए, ठीक। तो आई होप ये बात क्लियर है। अब यही बात मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस समझा देता हूं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी नॉलेज सिर्फ ब्रॉड ना सॉरी आपकी नॉलेज सिर्फ ब्रॉड ना हो, डीप भी हो, ठीक है। ओके, अब जैसे बात कर रहा हूं मैं कॉमन और प्रॉपर की, तो कॉमन में कोई भी नाम आप लेंगे तो आप क्या कहेंगे? दैट इज अ बॉय, वो एक लड़का है। आपने सिंपली यहां पर आ लगा दिया बिना किसी टेंशन को। यहां आ लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि काउंटेबल सिंगुलर है तो आ या एन लगना जरूरी होता है। आप दिस दैट इज बॉय नहीं कह सकते, अगर कह देंगे तो 100% रॉन्ग है। लेकिन अगर आपने यहां लिखा दैट इज राम, तो आप आ या एन लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर आप राम को जानते हैं तो आप कहेंगे वो राम है, दैट इज राम, राइट। लेकिन यही राम अगर मैं एज अ काउंटेबल नाउन बनाऊं तो मैंने कहा आई मेट सम या आ राम, मैं किसी राम से मिला। यहां पर सम या आ का सेंस किसी से है, जिसमें ये बताना चाह रहे हैं कि राम क्या है, अननोन है, सिर्फ मुझे उसका नाम पता है पर वो है कौन ये नहीं पता, ऐसा बताना चाह रहे होंगे, तब हम राम को एज अ कॉमन नाउन यूज करेंगे, पर तब हम इसके साथ आ लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने कहा कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो आपका यहां पर आ लगाना जरूरी है, और अगर ज्यादा होती तो आप बुक्स कर देते, फिर आ नहीं लगाते,
ठीक, ये आ यहां बहुत जरूरी है, लेकिन आप कभी नहीं कहेंगे आई हैव अ गीता। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि गीता एक प्रॉपर नाउन है। आप कह सकते हैं आई हैव अ कॉपी ऑफ गीता या आई हैव द गीता। द गीता क्यों कहेंगे? क्योंकि गीता बुक का नाम है, बुक के नाम के साथ द लगता है, ठीक। या आई रेड द गीता, ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे। तो बात क्लियर है। लेकिन गीता को कंपेयर किया गया अगर दूसरी बुक से, तो मैंने कह दिया कि द बाइबल इज द गीता ऑफ द क्रिश्चियन। तो यहां भले ही दा लग रहा है, हर जगह दा क्यों लग रहा है जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब समझेंगे। वैसे बता दूं क्योंकि ये भी बुक का नाम है, ये भी बुक का नाम है, तो दा लग रहा है इसलिए। और यहां दा दो वजह से लग रहा है, एक तो गीता बुक का नाम है, दूसरा यहां गीता को हमने एक्सप्लेन किया है कि किसकी गीता है, वो क्रिश्चियंस की, ठीक है। तो बाइबल क्रिश्चियंस की गीता है। तो यहां गीता को कंपेयर किया और गीता से यहां हमारा सेंस है मॉडल बुक, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही होता है, पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह भी समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर कैसे अनकाउंटेबल है और कॉमन कैसे काउंटेबल है। मैं एग्जांपल्स को इरेज करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाने के काम आएगा, ठीक है, ओके। तो नोट्स ये जो आप हैंडमेड बनाएंगे ना, ये आपके लिए बहुत इजी होंगे समझने में बाद में भी, ठीक है। बाकी जो पीडीएफ मिलेंगे वो इस लैंग्वेज में तो होंगे नहीं, ठीक। मैं रेस करता हूं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो कॉमन प्रॉपर समझ में आ गया, यही सबसे टफ था समझने में, इसके बाद ज्यादा टफ नहीं है। फिर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन वैसे तो कॉमन नाउन का ही एक दूसरा रूप है, क्योंकि इनमें भी हम आई एन यूज करते हैं, सिंगुलर होने पर, प्लूरल होने पर नहीं यूज करते हैं, पर इनमें एक खास बात होती है जो आप आगे पढ़ेंगे, इस वजह से इनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। कलेक्टिव नाउन आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जब चीजें इकट्ठा हो जाएं, एकत्र हो जाएं, ठीक है, तो एकत्र होने के बाद जो उनका एक नाम बनता है उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, एकत्र वस्तुओं के नाम। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा बॉय, तो बॉय कॉमन नाउन है, एक बॉय है तो बॉय, ज्यादा है तो बॉयज, कॉमन में प्लूरल हो गया बॉयज। लेकिन जब सब इकट्ठा हो गए, एक यूनिट बन गए और हमने कह दिया ग्रुप, तो ग्रुप क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ग्रुप कभी एक बॉय से तो बन नहीं सकता, तो ग्रुप क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये कलेक्शन से ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आपने कहा प्लेयर, तो एक प्लेयर है तो प्लेयर कॉमन नाउन, ज्यादा है तो प्लेयर्स, कॉमन नाउन का प्लूरल, ठीक है, और कलेक्ट हुए तो टीम, तो एक प्लेयर से कभी टीम नहीं बनती ना, तो टीम तभी बनेगी जब कलेक्शन होगा, तो टीम क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से आपने कह दिया बंच, गुच्छा, तो कभी एक चाबी या एक अंगूर का गुच्छा तो होगा नहीं, जब कई सारे कलेक्ट होंगे तभी होगा, है ना। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, आसान है समझने में। फिर मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन भी आपका काउंटेबल में आता है, मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल में आता है। मटीरियल क्या है, किसी भी पदार्थ को हम मटीरियल कहते हैं। तो लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, समझाने के लिए बड़ा आसान है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी चीजें जिन जो कुदरत ने हमें दी ही इसीलिए है कि हम उनसे कुछ बनाए, ठीक है ना, मतलब उनका उद्देश्य ही ऐसा होता है कि उनसे कुछ बनाया जाए, तो ऐसी चीजों को हम मटीरियल कहते हैं, उनके नाम को हम अनकाउंटेबल मानते हैं। जैसे कि आप बात कर लें प्लास्टिक की,
तो प्लास्टिक अनकाउंटेबल है, क्यों? क्योंकि इससे बनाया जाता है। जितने भी मटेरियल, जितने भी मेटल हैं, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है, तो जितने भी मेटल हैं सभी इसलिए होते हैं उनसे कुछ बनाया जाए, तो मटेरियल है, अनकाउंटेबल में आते हैं। इसी तरह से आप सीमेंट ले सकते हैं, आप सैंड ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, राइट, एटसेट्रा। तो जितनी भी ऐसी चीजें जिनसे कुछ बनाया जाता है वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब इतना तो सिंपल था, अब एक जगह और बात फंसती है, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ऐसी चीजों का नाम जिन्हें आप देख छू नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल अपियरेंस नहीं होता, उन्हें सिर्फ समझा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जिसे समझा, जिसे समझा या महसूस किया जाए, ठीक। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं क्योंकि आपको डेफिनेशंस तो कहीं लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ उनके प्रैक्टिकल यूजेस से ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो जिसे समझा या महसूस किया जाए, देखा या छुआ ना जा सके, क्योंकि उनका फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं होता है, तो देखे छुएंगे कैसे, उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जब आप बुक्स में पढ़ते हैं लोकल पब्लिकेशंस की, तो उनमें सिर्फ इतना लिखा होता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, ये अधूरी इंफॉर्मेशन है। मोस्ट ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शंस। अभी मैं एक्सेप्शंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कॉमन बात कर रहा हूं। कॉमन बात में भी बहुत से अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो काउंटेबल भी होते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन तो सेम ही है, जिसे महसूस किया जाए, समझा या महसूस किया जाए। लेकिन यहां पर एक बात आपको परेशान कर सकती है, मुझे भी बहुत लॉन्ग टाइम तक उसने परेशान किया, वो ये बात है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल अगर दोनों हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाला अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल है और कौन सा वाला अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ा, मैंने बहुत कुछ उसमें, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े लोगों के, कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पहचान हो जाए कि कौन वाले अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल है, कौन वाले अनकाउंटेबल है। वैसे याद करना तो आसान है कि भाई मान ली किसी को याद करवा दिए कि आइडिया है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल है, आप कहते हैं आई हैव एन आइडिया या ही हैज मेनी आइडियाज या प्लान है तो प्लान्स होता है, ठीक है, या ऑफर है या अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे ऐसे है। तो याद कर लिया तो बात अलग है, पर समझ लिया अगर हमने तो हम हर किसी को हैंडल कर लेंगे, है ना। तो उसका कुछ मिला नहीं, तो मैंने खुद एक चीज डिजाइन किया जिससे कि आपके समझने में आसानी हो जाए कि कौन वाले को हम काउंटेबल में रखेंगे, कौन वालों को हम अनकाउंटेबल में रखेंगे, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप समझ ऐसे सकते हैं कि दो तरह के अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपको मिलेंगे। एक मिनट, ओके। तो दो तरह के अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपको मिलेंगे, दो कैटेगरी में आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो होगा जो नेचुरल नेचुरल फीलिंग्स होंगी, ठीक है, या इमोशंस होंगे या क्वालिटीज होंगी, ठीक। तो ये जो होंगी ये आपके अनकाउंटेबल में आएंगी, ठीक है। जैसे आपने कह दिया हैप्पीनेस, तो नेचुरल फीलिंग है, कुछ अच्छा होगा, अपने आप खुश हो जाएंगे आप, अपने आप आपके अंदर खुशी आ जाएगी, तो हैप्पीनेस अनकाउंटेबल में आएगा अब्स्ट्रैक्ट में। या नेचुरल इमोशन में आप मान लीजिए जॉय,
जॉय लिख दिया। जॉय का एक और कह लीजिए सेंस होता है, एक तो प्रसन्नता से सेंस है, एक और सेंस होता है कि प्रसन्नता की रीजंस, तो उस सेंस में ये काउंटेबल हो जाता है। तो वैसे अलग अलग सेंसेस में जब आते हैं तो मैं बता दूंगा, पर अभी समझ लीजिए मेन सेंस जो है वो इसका प्रसन्नता से, और उसमें ये अनकाउंटेबल है। नेचुरल क्वालिटीज जैसे मैंने कह दिया एंगर, तो अगर किसी के अंदर गुस्सा है नेचुरल आएगा ना भाई, अगर कुछ उसके साथ गलत तो अपने आप उसे गुस्सा आएगा, आप चाह कर थोड़ी कर सकते हैं। या नेचुरल फीलिंग्स में आप कह सकते हैं पेन, दर्द, तो नेचुरली अपने अंदर आता है ना। किसी मान लीजिए किसी को चोट लग गई तो अपने आप उसे दर्द होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो जानबूझ के महसूस करे कि मेरे अंदर दर्द हो जाए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो ये है एटसेट्रा। और आप कभी नहीं कह सकते कि मेरे पांव में 5 दर्द है, अनकाउंटेबल है, मेरे पांव में दर्द है, आप ऐसे ही कहते हैं राइट। लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल, और कौन वाले हैं तो इसको समझिए, कौन वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है। तो जो नेचुरल ना हो, जो क्रिएशन हो, क्या हो, क्रिएशन हो, क्रिएशन ऑफ, क्रिएशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड, ठीक है, यानी जिन्हें आप अपनी बुद्धि से उपजा सकते हैं या समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि से उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं या किसी ने प्रोड्यूस किया तो समझ सकते हैं, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउंस को हम काउंटेबल में रखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मैंने कहा आइडिया, तो आइडिया इंसान उपजाता है ना अपनी बुद्धि से, और किसी का है तो समझता है ना, तो ये नेचुरल नहीं होता, ठीक है, कि अपने आप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या इसी तरह से प्लान है, ठीक है, और आपको पता है ये काउंटेबल है, आप कहते हैं ना आई हैव एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है, all his ideas were failed, all his plans were failed, है ना, तो I have a plan, तो इनके साथ आप naturally आ लगाते हैं ना, गिन सकते हैं। इसी तरह से offer, he was given many offers, है ना, इसी तरह से opportunity, जिसे हम कहते हैं मौका, अवसर, ठीक, he has got an opportunity, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे nouns हैं, right? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और काउंटेबल अनकाउंटेबल को इस तरह से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आगे आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस समझने पड़ते हैं, और अगर इन्हें अच्छे से नहीं समझ पाए तो बिलीव मी आप कभी भी इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते, राइट। और डेफिनेशंस का कुछ नहीं है, डेफिनेशंस पूछी नहीं जाएंगी, आपको मेनली इनके यूजेस को अच्छे से समझना है। तो मैंने थोड़ा अलग तरह से समझाया, लेकिन आई बिलीव कि अगर आप इस तरह से समझ जाएंगे तो आप कभी भी नाउन के काउंटेबल अनकाउंटेबल पार्ट को लेकर गलती नहीं करेंगे, राइट। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, और अगली क्लास में मैं नाउन को ही लेकर के आगे कुछ बताऊंगा ग्रामर में ही, ठीक है। टीजीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझ लीजिए कि अभी जो क्लासेस चल रही है ये आप ऐसे समझिए कि क्योंकि नोटिफिकेशन अभी अभी आया है, तो ये क्लासेस अभी मैं उतने रेगुलर बेसिस पर नहीं ले रहा हूं। आप मान लीजिए कि मंडे से ये रेगुलर बेसिस पर हो जाएगी, जिसमें मैं पर डे आपको लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों पढ़ाऊंगा। उसका रीजन ये है कि अगर मैंने एक ही दिन लिटरेचर में बहुत कुछ पढ़ा दिया तो आप चीजों को माइंड में नहीं रख पाएंगे, या एक ही दिन लैंग्वेज में बहुत कुछ पढ़ा दिया तो आप चीजों को माइंड में नहीं रख पाएंगे, या अगर मैं किसी दिन मैं लिटरेचर छोड़ के लैंग्वेज ही पढ़ा रहा हूं तो लिटरेचर में कितना कवर हुआ टाइम रहते वो हम उसमें बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, या मैं सिर्फ लिटरेचर पढ़ा रहा हूं तो लैंग्वेज कई बार छूट सकता है ना। तो ये हमें नहीं करना है, पर डे हम लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों पढ़ेंगे ताकि एक तालमेल बना रहे, हमें पता चले कि कितनी देर किसको देना है, कोर्स हमारा इक्विवेलेंट चले, और हम एग्जाम से पहले पहले चीजों को पूरी तरह से कवर कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है ना। तो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, टॉपिक्स पूरा होते ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि चीजें आपके माइंड में रहें, और लिमिटेड पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा, कम भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। तो ऐसे लेकर हम चलेंगे। तो एडमिशंस भी ओपन है, आप लोग एडमिशंस ले सकते हैं,
अभी एडमिशन चल रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आया, ज्यादा समय हुआ नहीं है, ठीक है। तो आगे की क्लास के लिए आप लोग जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन ले लीजिए, क्लास कंटिन्यू कर लीजिए। मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।